नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास प्लस टू यूनिट टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उससे आगे देखिए, जैसे इसके अंदर होगी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये विद्यार्थियों, साइन इनवर्स 1/x है। यदि इसको कोसिकेंट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ इसका एंगल चेंज करेंगे, अक्ष हमारा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 और -1 से छोटा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स होता है ना, उसके अंदर हमारा एंगल होता है वो, या उसकी रेंज आती है वो -1 और 1 के बीच में आती है। कोस इनवर्स 1/x को हम सिकेंट इनवर्स एक्स लिखेंगे, यानी सिर्फ एंगल का ही रेसिप्रोकल हुआ है। इसी तरह से विद्यार्थियों, जब टेन इनवर्स दिया हो, कोट में कन्वर्ट करना हो, तो एंगल चेंज करेंगे। प्रॉपर्टी 2 ये कहती है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स में यदि एंगल माइनस में है तो एंगल बाहर आ जाएगा, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स -x को -sin(x), -tan(x), -cosec(x)। इसी तरह से प्रॉपर्टी 3 में जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोस सिकेंट और कोट में हो एंगल माइनस में, तो वो पाई माइनस हो के आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोस सिकेंट और कोट की जो आपकी रेंज थी वो पॉजिटिव थी 0 से पाई, इसलिए हम ऐसा करते हैं, पाई में से घटा के लिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूफ करनी भी आती है, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, यानी यहाँ पे एंगल सेम हो, साइन और कोस का इनवर्स हो, बीच में प्लस का निशान हो, तो π/2 होता है। सेम टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में π/2, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सिकेंट इनवर्स एक्स π/2 होता है। इसके बाद ये आपका फॉर्मूला है, बहुत ही अहम रोल अदा होगा इसका पूरे चैप्टर में। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को हम लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - xy। ये तभी लिखेंगे विद्यार्थियों जब इन दोनों की प्रोडक्ट 1 से कम हो, यानी जो एंगल है इन दोनों की प्रोडक्ट है वो 1 से क्या हो, कम। और यदि एक -1 से बड़ी हो तो भी हम ये यूज करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों यदि 1 से बड़ी आ जाती है ये प्रॉपर्टी, एक्स और वाई का मान 1 से बड़ा आ जाता है, मान लीजिए एक्स और वाई का मान है वो 1 से बड़ा आ गया, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, पाई प्लस लगा देते हैं, बाकी ये सेम रहता है, टेन इनवर्स एक्स -y बटे में 1 + xy। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। इसके बाद 2 फॉर्मूले ये भी है, 2 tan inverse x को ये लिखते हैं, 2 tan inverse को ये भी लिखते हैं, 2 tan inverse को ये, जिसकी ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं विद्यार्थियों। अब हम देखिए एक्सरसाइज के सम करते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे पहला सम दिया हुआ है, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है 3 tan sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³ x belong to a। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे विद्यार्थियों साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा पुट कर लिया, दिस इम्प्लाइज यहाँ से एक्स का मान साइन थीटा हो जाएगा, ये इनवर्स इधर जाके हट जाएगा, ये एक्स का मान आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये था हमारे पास, जब इसकी जगह थीटा पुट किया तो 3θ आ जाता है, इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड में आपके पास ये था साइन इनवर्स 3x - 4x³, तो यहाँ पे एक्स की जगह हमने साइन थीटा पुट किया तो ये आ जाता है, ये साइन 3θ का फॉर्मूला है विद्यार्थियों, साइन इनवर्स साइन 3θ, यहाँ से भी 3θ आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से 3θ सेम आता है, from 1 and 2 से हमने लिखा, ये हैंस प्रूफ होता है। इसी तरह से दूसरे सम में ये दिया हुआ था विद्यार्थियों, प्रूफ करना इक्वल टू, यहाँ भी हमने कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा पुट किया तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली ये दिया हुआ था, इसकी जगह थीटा पुट किया 3θ आ जाएगा इक्वेशन 1। फिर राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ था, एक्स की जगह कोस पुट किया 4 cos³θ माइनस का 3 cos θ, ये आपका विद्यार्थियों कोस 3θ आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस 3θ, यानी 3θ आ जाएगा। इक्वेशन 1 से भी 3θ और 2 से भी 3θ,
वन और टू से हमारे पास क्या होता है, ये इक्वल प्रूफ हो जाता है, ये प्रश्न संख्या दो भी आपका कंप्लीट होता है विद वन। अब प्रश्न संख्या तीन देखिए, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू ये, तो ये आप खुद प्रूफ करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का लगेगा, यानी थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, फोर्थ में थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, पहले ये फॉर्मूला लगेगा फिर इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो मैं आपको प्रश्न संख्या चार करवा रहा हूँ, तीसरा आप खुद ट्राई करेंगे। प्रश्न संख्या चार में क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या चार में ये दिया हुआ है, देखिए जैसे ये दिया हुआ है 2 tan inverse 1/2 इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो पहले हम 2 tan inverse x को सोल्व करते हैं, 2 tan inverse x का फॉर्मूला था विद्यार्थियों 10 inverse 2x, एक्स की जगह ये 1 minus x square यानी 1/2 का स्क्वेयर किया तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 10 inverse 1/4 में से 1 जाएगा 3/4 यानी ये रेसिप्रोकल हो गए, 10 inverse 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसकी जगह ये रख दिया, ये दिया हुआ था। अब ये सम विद्यार्थियों आपका प्रश्न संख्या तीन की तरह हो जाता है, उसमें भी ये दिया हुआ है, सिर्फ एंगल चेंज है। तो इस तरह ही तीसरा करेंगे, इससे आगे हम देखिए इसको कंप्लीट करते हैं। ये फॉर्मूला था आपका 10 inverse x + y, 10 inverse x + y वाई में 1 minus x y, जब एक्स वाई का मान एक से छोटा था, यहाँ एक्स वाई का मान एक से छोटा है, 4 × 4/21 यानी 4/21 एक से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 10 inverse x + y 1 minus x y, इसका एलसीएम आ जाएगा 21, 3 से डिवाइड किया 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड किया 3 की इसके साथ, इसी तरह से 21 माइनस का 4 ये आ जाएगा, 21 से 21 कैंसिल, 31/17 आ जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई विद्यार्थियों, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे प्रूफ होता है ये। प्रश्न संख्या 5, 6, 7 और 8 और करेंगे विद्यार्थियों हम, इसके अंदर क्या करना है देखिए, जब भी विद्यार्थियों आपको इस तरह से दिया हो और एक्स की जगह पुट करना हो, तो एक्स की जगह या तो हम tan थीटा पुट करेंगे या cot थीटा पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे कि 1 + tan² थीटा आइडेंटिटी होती है सिकेंट स्क्वेयर थीटा, और इसी तरह से 1 + cot² थीटा होती है आपकी cosecant स्क्वेयर थीटा, तो वो हम देख लेंगे, जो सूटेबल होगा वो पुट कर देंगे। जब 1 - x² दिया हो, यहाँ x की जगह पुट करेंगे, तो विद्यार्थी या तो साइन थीटा करेंगे या कोस थीटा, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, 1 - sin² थीटा को हम कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं और 1 - cos² थीटा को हम साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, जो सूटेबल होगा वो पुट कर देंगे। जब x माइनस इस तरह से दिया हो, तो हम यहाँ x की जगह या तो सिकेंट पुट करते हैं विद्यार्थी या कोस सिकेंट पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10² की आइडेंटिटी होती है, और विद्यार्थियों ये कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 है, ये आपकी कोट स्क्वेयर थीटा की आइडेंटिटी होती है, जो सूटेबल होता है वो हम पुट कर देते हैं। जैसे प्रश्न संख्या इनके अंदर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है यानी सोल्व करना है, तो देखिए जैसे ये सम दिया हुआ है, 1+ हमें दिया हुआ था, तो आपको बताया था 1+ होगा तो हम या तो 10 पुट करेंगे या कोट, तो यहाँ विद्यार्थियों हम 10 पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 10 थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 10 inverse x। अब यहाँ पे एक्स की जगह 10 थीटा पुट किया, 1 + tan² थीटा माइनस 1/10 थीटा आ जाएगा, 1 + tan² आइडेंटिटी थी आपकी सिकेंट स्क्वेयर की, लेकिन रूट है तो ये सिकेंट थीटा आ जाएगा, माइनस 1/10 थीटा, सिकेंट को हमने लिख दिया 1 cos θ माइनस 1, टेन को लिख दिया साइन बाई कोस, इसका एलसीएम लिया तो ये आपका 1 - cos θ / cos θ आ जाएगा, और ये साइन बाई कोस, यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाता है विद्यार्थियों, और ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है इस तरह से। अब ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, जो ये रेड कलर में लिखे हैं ना, ये फॉर्मूला पूरी +2 + +2 क्लास में कम से कम 40 से 50 बार यूज होगा, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो 1 - cos x दिया हो तो 2 sin²θ/2 होता है, और जब 1 + cos θ हो तो 2 cos²θ/2 होता है, माइनस है तो 2 sin²θ/2 और प्लस है तो कोस स्क्वेयर आएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 - cos है, तो इसको हमने 2 sin²θ/2 लिख दिया,
ये साइन थीटा है विद्यार्थी, इसको साइन टू थीटा मानते हुए टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू लिख दिया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक साइन इस साइन से कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू ये आ जाएगा, टेन थीटा बाई टू, तो यहाँ से हमारा बन सकेगा थीटा बाई टू, इसको वन बाय टू इंटू में थीटा लिख सकते हैं, और थीटा का मान ये था विद्यार्थियों आपके पास, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या सिक्स की बात करते हैं, ये दिया हुआ है और इसके अंदर बताया था विद्यार्थियों आपको जब पुट करेंगे यानी कोई संख्या माइनस ये दिया हो तो इसकी जगह यहाँ तो सिकेंट पुट करेंगे या कोसिकेंट, तो यहाँ हम कोसिकेंट पुट करेंगे विद्यार्थियों, कोसिकेंट करेंगे तो थीटा का मान कोसिकेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा, वन बाय कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन कोट स्क्वेयर हो जाएगा, और जब ये रूट है तो हटके वन बाय कोट आएगा, वन बाय कोट का मान टेन होता है, तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा और थीटा का मतलब कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। प्रश्न संख्या सात ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, देखिए इससे पहले समय ही बताया था, दूसरी बार इसी समय यूज़ हो जाता है, ये पूरा काउंट कर लेना 40 से 50 टाइम्स कम से कम यूज़ होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, इसको 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई टू, इससे ये कैंसिल, यहाँ से साइन एक्स बाई टू आएगा, यहाँ से कोस एक्स बाई टू क्योंकि ऊपर रूट दिया हुआ है, तो ये आ गया आपका टेन एक्स बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बाई टू, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है विद्यार्थियों। और इसके बाद आज के लिए अंतिम प्रश्न संख्या आठ पे डिस्कस करते हैं, आठ में विद्यार्थियों आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमने कोस कॉमन ले लिया, वन माइनस साइन बाई कोस यानी कोस है नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह कोस, तो ये आ जाएगा कोस से कोस कट गया, यही मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ कोस से डिवाइड किया, ये आ जाएगा, इसको टेन एक्स और इसको भी टेन एक्स लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों इसका टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आएगा, इससे ये हटके ये आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 1 to 8 कंप्लीट होते हैं, जो फेयर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।